नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। हिंदुस्तान हाई ब्लड प्रेशर की कैपिटल कहलाने लगा है। हिंदुस्तान में करीब 8 लाख डायबिटीज के मरीज हैं तो 8 से 10 लाख ब्लड प्रेशर के भी मरीज हैं, ऐसे आंकड़े कहते हैं। बहुत बुरी हालत है साथियों, ब्लड प्रेशर ऐसी दिक्कत होती कि आपका पूरा शरीर खराब हो जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो हर समय आपका जो हार्ट ब्लड पंप कर रहा है वो लेटरली आपके वेंस पे प्रेशर लगा रहा है। वो प्रेशर आपको धीरे धीरे आपको खत्म करने के कार पे आता है। आज हम साथियों आपको बताते हैं 2000 साल पुराना नुस्खा जो आपके ब्लड प्रेशर करने ठीक करने में समर्थ है। एक बार साथियों बता दें कि यह नुस्खा आपकी जानकारी के लिए है, यह डॉक्टर की दवा का विकल्प नहीं है। मुझको जो जानकारी मिली मैं आपको पास कर रहा हूँ, लेकिन यह लोगों ने बड़े अच्छे सेंस में जानकारी लिखी है और 2000 साल पहले की किताबों में भी यह जानकारी लिखी है और बहुत आसान नुस्खा है। साथियों, आपको 7-8 बेलपत्र लेने हैं, 7-8 बेलपत्र लेने हैं। उन बेलपत्रों को आपको क्रश कर लेना है, आपको उसको एक आधे 2 गिलास पानी बराबर पानी में डालना है, पानी को उबालना है और इतना उबालना है जब वह पानी आधा रह जाए। जब वह पानी आधा रह जाए तो इसको आपको रोज़ सुबह पानी को 1 गिलास पानी आपको पी लेना है। यह साथियों बहुत अचूक नुस्खा है आपको ब्लड प्रेशर को कम करने का। यह बेलपत्र वो सामग्री है जो शिव पुराण में दर्ज है, या वो सामग्री है जो भगवान शिव के जो 6 पसंदीदा 6 सबसे डिवाइन उनको ऑफरिंग्स मानी जाती हैं उसमें से एक बेलपत्र है। और कहा जाता है जो भगवान का चढ़ा हुआ बेलपत्र होता है वह और अच्छा होता है, आप इस्तेमाल कर लें, ऐसा कई जगह लिखा है। कई ये बात साइंस से थोड़ी अलग है, लेकिन अगर आप भगवान को मानते हैं तो भगवान की दी हुई चीज़ों को भी आपको मानना ही चाहिए और मानते ही होंगे, तो बेलपत्र उसमें से एक है। आप भगवान का चढ़ा बेलपत्र ले लें, उसको आप क्रश करें और उस पानी को आप पिएं बॉयल करके, आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगा। बेलपत्र में साथियों कोरोमिर्स नाम का एक कंपाउंड होता है। ये जो कोरोमिर्स होते हैं यह ब्लड प्रेशर को कम करने में वैसोडायलेटर का काम करते हैं और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। उसके अलावा साथियों आयुर्वेद में बेलपत्र के कूलिंग इफेक्ट की बात पूरी तरह स्थापित है, तो आप बेलपत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्लड प्रेशर के लिए, करके देख सकते हैं। यह आपकी सलाह है आपके लिए। जब भी कभी ये नुस्खा करें तो अपने ब्लड प्रेशर को आप एडमिनिस्टर करते रहें। एलोपैथिक दवा या जो भी दवा आप खा रहे हैं उसको ना छोड़ें, क्योंकि यह उसका विकल्प नहीं है। अगर आपको सूट करा तो यह बीपी आपका हमेशा के लिए ठीक करेगा लगातार करने पर, लेकिन एलोपैथिक दवा आपको नहीं छोड़नी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके बीपी को कंट्रोल करके आपको स्वस्थ रख रही है। मन में साथियों कोई क्वेरी हो तो आप क्वेरी भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप या यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल पर, कोशिश करेंगे आपको बात का जवाब दे पाए। वीडियो साथियों आपसे निवेदन है, अगर अच्छा लगा हो, हिंदुस्तान जो कि राजधानी बन रहा है ब्लड प्रेशर के मरीजों की, उनके लिए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही पाते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।